अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है यहाँ से कराची के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जो आम लोगों की नज़र से दूर छुपा हुआ है, तो हम उसको खोजने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे वहाँ पर कि रास्ता किस तरह है। हम नागन चौरंगी से रवाना हो रहे हैं, तो हम किस रास्ते से हम उस जगह तक पहुँचें, उसके रास्ते के मनाज़िर आपको दिखाएँगे। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैं अपने घर से रवाना हो रहा हूँ और अपने चंद साथियों को हम रास्ते से लेंगे। मैं और असलम भाई जो हैं अपने घर से हम रवाना हो गए हैं। आगे अगर हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको हम पिक करते हुए चिलगजी बाबा के मज़ार की तरफ रवा दवा होंगे और रास्ते का समाजर दिखाएंगे। इस सफ़र में हमारे साथ शरीक हैं इलियास भाई, इमरान भाई और ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त जमील भाई। ये हम लोग नागन चौरंगी से रवाना हो गए हैं और हम जा रहे हैं फोर के चौरंगी की तरफ। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ अंदोज़ हों। ये हम फोर के चौरंगी से लेफ्ट पे टर्न हो गए हैं साइमा विलास की तरफ। साइमा विलास की तरफ टर्न हो रहे हैं। अब ये देखें हमारे सीधे यहाँ पे साइमा विलास चल रहा है। पहले हमने फोर के चौरंगी से कट दिया, अब साइमा विलास से होते हुए सीधे हम मंगोपीर वाले रोड पर आ जाएंगे। अब हम सीधे हाथ पे टर्न हुए और ये रोड सीधा जा रहा है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। अब हम सीधे सीधे जाएंगे, नॉर्दर्न बाईपास पे टच करेंगे। अब वहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया और हम आ गए नॉर्दर्न बाईपास की तरफ और हमारा रुख है हब चौकी की तरफ या शेरशाह वाले रोड की तरफ। ठीक है, हमने पहले फोर के से अंदर आए, फोर के साइमा विलास से होते हैं, फिर हम राइट पर टर्न हुए तो वो सीधा रोड हमें लग रहा है नॉर्दर्न बाईपास पर। नॉर्दर्न बाईपास से हम लेफ्ट टर्न हुए तो हम पहुंच गए हमारा रुख है हब चौकी वाले रोड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से हम सफ़र करते हुए जब जाएंगे तो हम इसी रोड पे आगे जाकर 7 किलोमीटर के बाद हम राइट हैंड पे कच्चे में उतरेंगे। जो कि अभी मैं मंज़र दिखाऊंगा, अभी हम कहाँ से उतरेंगे तो वो सारे मंज़र आप देखते चलें। अब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, न्यू कोयटा जद्दा होटल पर बैठेंगे और चाय पियेंगे और फिर हम इसके आगे फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये हमारे जमील भाई, उनके साथ बैठे हुए इमरान भाई और ये हमारे असलम भाई और उनके साथ बैठे हुए हमारे बहुत मोहतरम इलियास भाई। इलियास भाई बैठे हुए चाय पीने के बाद हम आगे सफ़र के लिए रवाना हो गए। अब हमने अपने सफ़र का और चाय पीने के बाद आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया। अब हम नॉर्दर्न बाईपास पर जा रहे हैं। अब ये देखें सामने कटी पड़ी नजर आ रही है। अब उससे पहले चिलगजी बाबा का एक बोर्ड लगा है, हम ये सीधे हाथ पे दाखिल हो गए। ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है इस पर 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद आगे हम कॉर्नर से ज़रा सा मुड़ेंगे तो चिलगजी बाबा का मज़ार नज़र आ जाएगा। यहाँ से हमें झंडे नज़र आए। अब हम पहुँच गए चिलगजी बाबा के मज़ार के अहाते के पास। मज़ार शरीफ की ज़्यारत करने के बाद, वहाँ फातिहा पढ़ने के बाद फिर हमने कुछ खाने का इंतज़ाम किया हुआ था तो वहाँ उसके अहाते में बैठ कर हम लोगों ने खाना तनावुल फरमाया। कुछ फल भी हमारे साथ थे और वो हम लोगों ने फिर यहाँ बैठ के खाना खाया। आज हम पका के लेकर आए हैं कुन्ना, बकरे का बना हुआ है, बहुत प्यारा लजीज। सारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके साथ फलों में गरमा है, केला है, पपीता है। अच्छा अहतमाम किया गया दोस्तों ने, अच्छा अहतमाम किया गया। ये इसके बाहर का आता है, देखें कितना सरसब्ज, चारों तरफ हरियाली हरियाली खड़ी और पुरसकून माहौल जिसको इंसान तलाश करता है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी जगह है। अच्छा दोस्तों, अब हमने वापसी के सफ़र की राह ली और हम अपने घर की तरफ वापस रवा दवा हो गए।
ये मज़ार का आता था, इससे हम बाहर निकल रहे हैं, ये निकलने का रास्ता है। अब हम सीधे हाथ पे टर्न करेंगे तो हम सीधा उसी जगह पर नादर बाईपास वाले रोड की तरफ चले जाएंगे। अब हम कच्चे से निकल कर नादर बाईपास वाले रोड पर आ गए और अपना सफ़र जारी रखा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम नादर बाईपास पर सफ़र कर रहे हैं, वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। चारों तरफ के मनाजिर देखें, कितने खूबसूरत हरियाली फैली हुई चारों तरफ, पहाड़ वो भी हरे भरे, आसमान निखरा हुआ, बहुत खूबसूरत मंजर। यकीन माने अगर आप लोग यहाँ आएंगे, और आप यकीन नहीं कर सकते कि कराची के अंदर इतनी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, इतने बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं, प्यारे मौजूद हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार चिलगजी बाबा की तरफ ज़्यारत के लिए ज़रूर आएँ। अल्लाह हाफिज़ तमाम दोस्तों। मेरी कावेश पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खोजो पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।